हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आपका अपना दादा टेकी दादा यानी कि मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, दिस इज बोल्ट Q2 हेडफोन्स। तो इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू जो है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ कि ओवरऑल मुझे हेडफोन्स कैसे लगे हैं और कैसा इसका परफॉर्मेंस लगता है, बाकी इसकी वायर के बारे में और ये किस तरीके का कुशनिंग आपको ऑफर करता है, लॉन्ग टर्म में आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या कंफर्टेबल रहता है नहीं रहता है, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मुझे इसके बारे में जो अच्छी लगी है, जो बातें वो मैं आपको बता दूँ, और उनमें से सबसे पहली बात तो यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है बाकी हेडफोन्स के मुकाबले। इसके ईयर कप्स बड़े हैं, इसके ड्राइवर्स बड़े हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट ज़रूर महसूस होता है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपको अगर लंबे समय तक इनको पहने रखना है तो यहाँ पर जो है वो एक लाइट वेट हेडफोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी भार लगता है सर के ऊपर। बाकी और जो अच्छी चीज़ें लगी हैं वो ये है कि इसके जो ईयर कप्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो मेरे कानों के ऊपर तो एटलीस्ट ये पूरे बैठ जाते हैं, यानी कि कान को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर पहन के दिखा देता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है ये पूरे मेरे कान के ऊपर फिट आ रहे हैं। अब देखिए ऑनेस्टली मेरे कानों का साइज थोड़ा सा छोटा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो मेरे कानों के ऊपर तो ये पूरी तरीके से बैठ जाते हैं, तो मुझे तो कंफर्टेबल लगता है। लेकिन हो सकता है कि जिनके कानों का साइज थोड़ा सा बड़ा है उनके लिए उतने ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि पूरा कान ये कवर नहीं कर पाएंगे और फिर कुछ आधा अधूरा सा आपको लगेगा कि ऊपर से कान खुला है या नीचे से खुला है, तो वो एक ही पॉइंट पे प्रेशर डालता है जिसकी वजह से दर्द होने लगता है कुछ देर बाद। हालांकि इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा इन्होंने प्ले ज़रूर दिया है, इस तरीके से मुड़ सकते हैं और ये जो ईयर कप्स हैं ये भी थोड़े से अंदर बाहर हो सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ से भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपके हेड के अनुसार, आपके कानों के अनुसार ये मोल्ड ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन ये जो ईयर कप्स हैं, इसके ईयर जो ईयर पैड्स हैं, ये कुशनिंग के मामले में उतने ज़्यादा उम्दा मैं नहीं कहूँगा इसके बारे में, क्योंकि ये एक तो आर्टिफिशियल लेदर है और हल्का सा इसके अंदर हार्डनेस आ रहा है, और इससे जो है वो आपको स्वेटिंग की समस्या बहुत आ सकती है। अगर आप लंबे समय तक इसको पहन के रखेंगे तो थोड़ा बहुत स्वेटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। और ये जो है ऊपर का हिस्सा, ये भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हालांकि इसके अंदर कुशनिंग दी गई है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये रबर का है तो ये रगड़ खाता है आपके बालों के साथ में, तो ये एक चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि इसके जो एडजस्टमेंट के यहाँ पर दिए गए हैं खाँचे, ये आप देख सकते हैं कि जब आप पहनेंगे इसको तो ये बराबर सर के ऊपर वाले हिस्से में आ जाते हैं, तो इसकी वजह से इसमें बाल फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब बात करें अगर इसके वायर की, तो इसके अंदर एक इनलाइन माइक आता है, कॉलिंग के लिहाज से अच्छा है, वायर क्वालिटी ठीक ठीक लगी, ये रबर कोटेड वायर है, तो हो सकता है कि लंबे समय में अगर एक ही जगह पर इस तरीके से मुड़ी रही वायर तो ये शॉर्ट हो सकती है यहाँ से। और इसका जो जैक है वो मुझे ज़रा बहुत सिंपल सा लगा है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अगर एंगल जैक दिया होता है ऐसे एल शेप में तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एल शेप वाला जैक जो है उसके अंदर वायर यहाँ से शॉर्ट होने के चांसेस कम होते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बाकी यहाँ पर जैक जो है वो गोल्ड प्लेटेड है, तो ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेन चीज़ कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है मुझे, मैं काफ़ी समय से इसको इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। बेस स्पेशली इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा आता है, मतलब एक्चुअल आपके कानों में वाइब्रेशन क्रिएट करने वाला बेस इसके अंदर आ सकता है। और अच्छी बात यह है कि बेस जब इसके अंदर बहुत फूट फूट के आ रहा है तो भी बाकी की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनके साथ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। यानी कि अगर बहुत बेस वाला गाना है लेकिन उसके अंदर और चार कुछ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं तो उनका साउंड भी बिल्कुल क्लियर आएगा। ऐसी बात नहीं है कि बेस आ रहा है तो बेस बाकी सारे फ्रिक्वेंसीज को किल कर रहा है, ओवरपावर कर रहा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होगी। हाइज बिल्कुल क्लियर है, मिड्स बिल्कुल क्लियर है, बेस तो क्लियर है ही है। इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 500 से 1000 रुपये के बीच में रहती है, और ये कंपनी खैर नई है लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम इस कंपनी ने किया हुआ है।
और ओवरऑल जो है वो मुझे वैल्यू फॉर मनी ज़रूर लगते हैं। हाँ, लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर इस्तेमाल करना है तो उस लिहाज से कंफर्ट वाइज उतने अच्छे नहीं है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपके इसके बारे में क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके हमें बता सकते हैं।